और अल्लाह पाक मोमिन मलिक साहब को जल्द से जल्द कामयाबी दे और इसको कानून के गिरफ्त में लाना सब के लिए बेहतर है। मोमिन मलिक साहब है, उन्होंने वीज़ा तो नहीं था मगर एक दावतनामा भेजा, वो इतना जल्दी तैयार नहीं हो सका, इसके कारण हम इंडिया के अंदर नहीं आ सके। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। मोमिन मलिक साहब भी शायद भाई नेपाल गया हुआ था, आपको पता है, बिल्कुल उधर भी उनको ऐसे ही जो बातें कर रहे हैं कि उधर ये शादी हुआ था मंदिर का, कोई मंदिर पे इनकी कोई शादी नहीं हुई, अब भी इनलीगल हैं, एक जिनसी ज्यादती कर रहे हैं। कब तक हम चिल्ला चिल्ला के लोगों को कह रहे हैं कि देखो हमारी आवाज़ बनो, वीडियो को आगे से आगे तक पहुँचाओ, आला इदारों तक पहुँचाओ। ये औरत सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही बोलते हैं, आज तक इन्होंने कोई बात सच नहीं किया, ये मैं गारंटी उठा रहा हूँ कि क्यों, मैं उनका वाकिफ़ हूँ, मेरे साथ रहा, मेरे बच्चे हैं, जब से ये इंडिया गई तो झूठ पे झूठ क्यों बोल रहा है या बुलवाया जाता है या खुद से बोल रहा है इसका तो मुझे इलम नहीं है, मगर हैरान और परेशान ज़रूर होता हूँ कि इतना झूठ भी कोई बोलता है साहिद भाई, बिल्कुल ज़्यादा झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पर बिल्कुल भी ना आना। इंडिया की माएँ बहनें बेटियाँ बहुत जो है तालीम याफ्ता हैं, बाशहूर गैरतमंद हैं, शुरू से लेकर आज तक वो हमारा साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान से भी जो है बहुत सारे लोग फैमिलियां जुड़े हुए हैं, बात करते हैं बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ शुक्रिया अदा करने से बात हल नहीं होता, इसका मसले का हल है, सोशल मीडिया हर घर पे है, प्लेटफॉर्म मौजूद है, उनको इतना बेनकाब करो कि वो खुद तंग होकर अपना गिरफ्तारी दे। मुझे आने वाले दिनों में ऐसा ये लग रहा है साहिद भाई कि ये बिल्कुल गिरफ्तारी दिलवाएगा और जेल जाएगा, ये जेल से डर रहे तब ये बच्चों को यूज़ कर रहे, हमारी पाकिस्तान को भला बुरा कह रहे, हिंदुस्तान के लोगों तक भी माफ़ नहीं कर रहे, इसका असल ये कारण है कि वो जेल से बहुत डरता है, उसको पता है बच्चे छीने गए तो मैं कंगाल होऊं, हकीकत में भी भले कैसे भी उन्होंने किया हम कभी भी उनको माफ़ तो करेंगे नहीं, किसी सूरत में भी उनको जेल तो ज़रूर पहुँचाएँगे और कैफिय किरदार तक, तब उनसे पूछेंगे कि आपने क्या काम किया। हाँ, चंद जो है थोड़ी सी देर के लिए हवस बुझाने के लिए किसी नामहरम के साथ जिनसी ज्यादती करवा के हमें ही मैसेज दे रहे, लोगों को कह रहे जो है मगरमच्छ की आंसू बहाकर ऐसे ही समझ रहे कि जो है ना मैं सच्चा हूँ, आप लोग झूठे हो, आप झूठे थे, झूठे हो और झूठे रहोगे। याद रखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रीमा जो है अभी घर गाँव पर आया हुआ है, उधर नेट नहीं चलता, मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी बच्ची के साथ रियल आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड बोलते वो सामने रख के इसको बेनकाब करेगा, तब तो समझ में आएगा, तब भी नहीं मानेगा, अफसोस की बात है। अपनी बहन को पहले कहती है मेरी बहन ही नहीं है, फिर कहती है रीमा है, फिर कहती है मेरी बहन नहीं है, अपनी बातों से खुद मुकर रहा है, शुरू से लेकर आज तक हम इसको बेनकाब करते आ रहे हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान को भी इसने बदनाम किया, पाकिस्तान को भी बदनाम किया, आने वाली नस्ल छोटे बच्चे क्या मैसेज देगा, हम बैठ के इसका तमाशा ही बन के देखें, बस तालियां बजाएं, खुश रहें, किसी सूरत में भी नहीं, हर लीगल रास्ता अपनाएंगे और इंशाल्लाह इसको कैफिय किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। साहिद भाई आप क्या कहना चाहते हो? जी हैदर भाई, मैं यही कहूँगा, ये सीमा जो है सुबह से लेके शाम तक झूठी है, मक्कार औरत है, अपने बच्चों के लिए मतलब अपने बच्चों का बाप छोड़ के चली गई, आज कहती है मैं मेरे अंदर इंसानियत है, मैं इंसान हूँ, अगर आपके अंदर इंसानियत होती, अगर आप सच्ची माँ होती, चार बच्चों को बाप से अलग करती, तुमको तो शर्म नहीं है, चार बच्चों का मुस्तकबिल तो देखो यार, बच्चियां हैं, तीन बेटियां एक बेटा है, मैं कैसे चुप रह सकता हूं, लोग कहते हैं कि यार कुछ कहते हैं जाने दो क्या हो गया, कभी भी नहीं उन माएँ बहनें बेटियों को भाइयों को कहना चाहता, देखो उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी ख़राब की, मेरी जो मेरा खामोश रहने से मेरी बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब हो सकता है, बिल्कुल याद रखना, मैं किसी सूरत में अब चुप नहीं रहूँगा, आला इदारों तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा, यूट्यूब पे जो भाई काम कर रहे हैं, माएँ बहनें बेटियाँ बहुत सारी उसको जो है बेनकाब कर रहे हैं तरह तरह से, अभी उनके पास कोई जवाब नहीं है, कभी गाली गलौज करता है, कभी रोता है, कभी मगरमच्छ के आंसू बहाता है कि किसी सूरत में मुझे जो है टॉपिक से हटें, कभी नहीं हटेंगे। गुलाम हैदर भाई कहती है, गुलाम हैदर ने बच्चों का नहीं कहा था कि मुझसे बच्चों की बात करवाओ, इतना झूठी औरत है, इसके कहने से ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक खुद एक ड्रामा है, झूठ है, ड्रामा कभी सच नहीं होते, बिल्कुल याद रखना, सिर्फ दिखावा होता है, लोगों को तरबियत और तालीम सिखाने के लिए ये हकीकत बैठ के सोच रहा है, ऐसा नहीं होता कभी भी, ये जो मगरमच्छ के आंसू रोती है इसलिए कि मुझे जेल में ना डाला जाए, नहीं ये तो जरूर जाएगा, बिल्कुल जेल, हैदर जो है ना, हैदर के सांसों में सांस है ना, इसको खुश रहकर याद रखना, इन्होंने मेरी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब की, मैं बच्चों का वारस हूँ, ये मेरे निकाह में होकर ऐसा काम करेगा, क्या मैं खामोश रहूँगा? कोई भी बाशहूर गैरतमंद मर्द या औरत या कोई भाई
अपने दिल पे थोड़ा सा हाथ रख के कह के हैदर हाँ ये कर रहे तो करने दे किसी, हाँ लीगल रास्ता होता ये डिवोर्स लेते, मैं इसका पीछे क्यों भागता, मेरे बच्चे ना लेके जाते, मैं इसका नाम तक भी नहीं लेता। शादियाँ भी होती हैं, तलाक भी होता है, एक लीगल प्रोसेस है, वो करता ना। कौन सी इसको मौत पड़ी हुई थी, अभी जाके पूरी पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, और जो है हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेल के ये सोच रहा था मैं बच सकूँगा, किसी सूरत में नहीं। लोगों को शहूर आ चुका है, लोग इसकी इसको खूब वाकिफ़ हैं, यकीन करो इसको इतना कमेंट में साजिद भाई जो गालियाँ पड़ती हैं ना, शायद दुनिया में किसी को नहीं पड़ते। बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर भी पता नहीं कौन सा मुंह उठाकर बातें करता है, ये झूठ के नहीं मरता, झूठा और लोगों को ये मैसेज दे रहा है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। कभी भी नहीं, मोदी सरकार हो, योगी सरकार है या आने वाली सरकार जो भी बन रहा है, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये दोनों बैठ के मिलकर अगर फैसला करें इसको जेल में डालें, ये किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। कभी भी ये जो है औरत जो है गलत साबित हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, ये अच्छा है ही नहीं। बिल्कुल, हमारी जो है चार बच्चे हैं, बच्चों के लिए हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि मेरा नाम नहीं लेते तो इनकी रोटी रोजी नहीं चलती, आपकी हमारे नाम से लेते, हैदर के बच्चे ना होते आप तो जेल में गल कर सड़ चुका होता इस टाइम, यकीन मानो। दुआ करो फरहान खान को, फरवा बतूल को, फरिया बतूल को, फरा बतूल को, हैदर के लगते जिगर तुम्हारे साथ हैं, लोगों को एहसास है कैसे भी हैं, बच्चों के लिए थोड़ा सा इनको प्यार दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं कि मैं माधुरी हूँ, मैं कोई फिल्म एक्टर बन चुका हूँ, आपको लानत भी कोई नहीं भेजता। सही बात, बच्चे है। ना होते यकीन करो, ये मैं वाजे क्लियर बता रहा हूँ, ये बच्चों की ज़िंदगी को दुआ कर जो मेरे लगते जिगर तुम्हारे साथ है उनका सदका बेटे खा रहे हैं, वो चूहे को कह रहा हूँ, आपको नितरपाल को, सचिन को किसी सूरत में कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, इनको सुकून की सांस तो क्या, इनको जेल में डालकर तब हमारे को जो है सुकून मिलेगा। ये कह रहे हैं कि जो है ना हैदर खामोश रहेगा, हैदर बस वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक तुम्हारा सोच भी नहीं है, याद रखना बच्चों के लिए। तकलीफें ज़रूर हैं, मेरे मुल्क पाकिस्तान नहीं है, हम इकट्ठे नहीं हैं, दूसरे मुल्क का मसला है, तो इंशाल्लाह खुशियाँ आ रही हैं, ईद आ रही है। ये देखो मेरे लिए तो जो एक खुशी की दिन या त्यौहार उनको बोला जाता है हिंदी में, खुशी का दिन आता है तो मेरे लिए वो जहर लगता है खुदा की कसम। तो मैं अगले ईद पे भी ना कपड़े तक भी चेंज नहीं किए यार, बैठ के लोगों का देखो, अपने बच्चों के साथ जाना फिरना घूमना, एक बाप चार साल जिन्होंने के लिए मेहनत मजदूरी किया, उस लानतीर पर एतमाद करके बच्चों के रोज़गार के लिए चला गया, वापस आया तो ना बच्चे हैं ना घर है, इसको मैं माफ़ करूँगा? जैसे मैंने खून के आंसू रोया और रोया हूँ, उनको भी ऐसे ही रुलाऊंगा, तब इसको एहसास होगा कि बच्चों का बिछड़ना क्या होता है एक बाप के लिए या एक माँ के लिए, तब अलग होंगे तब इसको महसूस होगा। तमाम व्यूअरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंसानियत को हमेशा ज़िंदा रखो, आगे से आगे तक बात को पहचाना हर माँ बहन बेटी का फ़र्ज़ है। बोल बोल के मेरा गला बैठ गया, मगर वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचना चाहिए, शायद अफसोस से कहना पड़ रहा है वहाँ तक हमारा क्यों नहीं पहुँच रहा, उन आला अदारों तक, अच्छे इंसानों तक जो काम करने वाले, बात करने वाले तो बहुत है, हम ये काम करते हैं, मेरे बच्चों के लिए किसने कितना काम किया, जो आवाम है बेचारा वो तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। सरकारों को जो आला अदारों को जो काम असल करते हैं वो अभी तक कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, इसका क्या वजह है ये तो नहीं समझ में आता, मगर आप अपना हौसला कभी नहीं हारना, सच्चाई हमेशा जीत हमेशा सच्चाई की होते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें ज़रूर कामयाब करेगा। हमारे साथ रहना, वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाना, लाइक करना, शेयर करना। जब से ये इंडिया गई तो झूठ पे झूठ क्यों बोल रहा है या बुलवाया जाता है या खुद से बोल रहा है इसका तो मुझे इलम नहीं है, मगर हैरान और परेशान ज़रूर होता हूँ कि इतना झूठ भी कोई बोलता है साजिद भाई, बिल्कुल ज़्यादा झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पर बिल्कुल भी ना आना। इंडिया की माएँ बहनें बेटियाँ बहुत जो है तालीमी आफ्ताब हैं, बाशहूर गैरतमंद हैं, शुरू से लेकर आज तक वो हमारा साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान से भी जो है बहुत सारे लोग फैमिलियां जुड़े हुए हैं, बात करते हैं बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ शुक्रिया अदा करने से बात हल नहीं होता, इसका मसले का हल है, सोशल मीडिया हर घर पर है, प्लेटफॉर्म मौजूद है, उनको इतना बेनकाब करो कि वो खुद तंग होकर अपना गिरफ्तारी दे। मुझे आने वाले दिनों में ऐसा ये लग रहा है साजिद भाई कि ये बिल्कुल गिरफ्तारी दिलवाएगा और जेल जाएगा, ये जेल से डर रहे तब ये बच्चों को यूज़ कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तान को भला बुरा कह रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों तक भी माफ़ नहीं कर रहे, इसका असल ये कारण है कि वो जेल से बहुत डरता है, उसको पता है बच्चे छीने गए तो मैं कंगाल होऊं, हकीकत में भी भले कैसे भी उन्होंने किया हम कभी भी उनको माफ़ तो करेंगे नहीं किसी सूरत में भी,
उनको जेल तो ज़रूर पहुंचाएंगे और कैफिया किरदार तक, तब उनसे पूछेंगे कि आपने क्या काम किया। हाँ, चंद जो है थोड़ी सी देर के लिए हवस बुझाने के लिए किसी नामहरम के साथ जिनसी ज्यादती करवा के हमें ही मैसेज दे रहे, लोगों को कह रहे जो है मगरमच्छ की आंसू बहाकर, ऐसे ही समझ रहे कि जो है ना मैं सच्चा हूँ, आप लोग झूठे हो, आप झूठे थे, झूठे हो और झूठे रहोगे। याद रखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रीमा जो है अभी घर गांव पे आया हुआ है, उधर नेट नहीं चलता। मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी बच्ची के साथ रियल आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड बोलते हो, वो सामने रख के इसको बेनकाब करेगा, तब तो समझ में आएगा, तब भी नहीं मानेगा। अफसोस की बात है, अपनी बहन को पहले कहती है मेरी बहन ही नहीं है, फिर कहती है रीमा है, फिर कहती है मेरी बहन नहीं है। अपनी बातों से खुद मुकर्रा, शुरू से लेकर आज तक हम इसको बेनकाब करते आ रहे हैं।